नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम शिव पुराण के अद्भुत रहस्यों की खोज में निकलेंगे। शिव पुराण में छिपा है सफल जीवन का राज। हम इस प्राचीन ग्रंथ के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझेंगे और जीवन के हर पहलू में समाधान पाएंगे। आइए साथ में इस आध्यात्मिक सफर का आरंभ करें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए शिव पुराण के रहस्यों को खोजें। तो चलिए इस अद्वितीय यात्रा में साथी बने और मिलकर इस शिव पुराण के गहरे सत्यों का खुलासा करें। शिव पुराण में उन्नति और मुक्ति का मार्ग बताया गया है। इसमें भोलेनाथ के अवतार और महिमा का वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं शिव पुराण की वह अनमोल बातें जो मनुष्य के सुख समृद्धि का राज है। मोह का त्याग। जब देवी सती ने अग्निकुंड में प्राण त्याग दिए थे तो शिव उनकी देह लेकर पृथ्वी पर भटकने लगे। इस दौरान त्राही त्राही मच गई थी। विष्णु जी ने सती के पार्थिव शरीर को छिन्न भिन्न कर शिव का मोह तोड़ा था। शिव पुराण कहती है कि संसार में किसी भी वस्तु या लोगों से लगाव मानव को दुख और असफलता की ओर ले जाते हैं। दूसरा है तप। शिव पुराण के अनुसार तपस्या ही लक्ष्य की प्राप्ति का उपाय है। देवी पार्वती ने शिव को पाने के लिए सालों तपस्या की। उनके इरादे इतने मजबूत थे कि वह अपने जगह से टस से मस नहीं हुई। लक्ष्य के प्रति लगन और इरादे अडिग हो तो कोई भी बाधा या लालच आपको हरा नहीं सकती। क्रोध का त्याग। शिव पुराण के अनुसार भोलेनाथ को खुश करना है तो अहंकार और क्रोध का त्याग करना होगा। ये दोनों सफलता की राह में बड़ी बाधा है। गुस्से से विवेक नष्ट हो जाता है और काम बिगड़ जाते हैं। धन का उपयोग। धर्म को हमेशा धन से ऊपर रखना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार उचित तरीके से की गई कमाई को हमेशा तीन भागों में बांटना चाहिए। एक निवेश, दूसरा धन उपभोग और तीसरा धर्म के कार्यों में व्यय करें। इस तरह पैसों के इस्तेमाल से जीवन सुखी और सफल बनता है। प्रदोष काल। शिव पुराण के अनुसार प्रदोष काल शिव की पूजा का उत्तम समय माना गया है। वहीं शमशान को शिव का निवास माना जाता है। कहते हैं सुबह और शाम के समय कभी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, न ही किसी के प्रति मन में बुरे विचार लाए। ऐसा करना पाप का भागी बनना है। सम्मान। शिव पुराण के अनुसार गुरु और बड़ों का आदर करने वाला उत्तम स्थान पाता है। गुरु के बिना शिष्य का बेड़ा पार नहीं हो सकता और बड़ों के आशीष से तरक्की के मार्ग खुल जाते हैं। वहीं स्वयं के सम्मान से भी कभी समझौता ना करें। मान सम्मान प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम दूसरों को सम्मान देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, इस अद्वितीय यात्रा में हम सभी ने साथ में शिव पुराण के अद्वितीय रहस्यों का खुलासा किया। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि सफल जीवन का राज क्या है और हर समस्या का समाधान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आप सभी से निवेदन है कि अपनी राय और अनुभव हमसे साझा करें और इस आध्यात्मिक संवाद को और भी गहरा करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से भी जुड़े रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाल, हर हर महादेव।